हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यू एन ए यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो रियली सॉरी कि पिछले कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली कोई दूसरा अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। उस वजह से मैंने कम्युनिटी टैब में आप सभी से एक पोल क्रिएट करा था, जिसमें मैंने पूछा था नेक्स्ट वीडियो आपको media.net के अप्रूवल पर चाहिए या फिर बैकलिंक साइट्स की लिस्ट चाहिए। तो media.net के अप्रूवल पर काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये वाली वीडियो जो मैं आपको media.net पर कैसे आप अप्रूवल ले सकते हैं, मैंने क्या प्रोसीजर यूज़ करा था, कैसे उसका यूज़र इंटरफेस होता है, कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और इससे अगली वाली जो वीडियो होगी वो बैकलिंक के बारे में होगी। तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर कैसे media.net का अप्रूवल ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं media.net के अप्रूवल के लिए, कैसे आपको काम करना है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको अपनी वेबसाइट पर भी दिखाऊंगा कैसे मैंने उस पर जो है media.net का अप्रूवल लिया था और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ऐड मैंने उस पर लगाई हुई हैं। तो ज़्यादा जानने के लिए वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिस कर दें जो आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं media.net कुछ इस तरह की वेबसाइट है, जो कि अगर गूगल का बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखें तो सबसे पहले तो गूगल एडसेंस आता है, उसके बाद उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर देखें जिससे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं तो media.net आता है। ठीक है, तो media.net का कुछ इस तरह का यहाँ पर वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको media.net पर डायरेक्टली आना और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, सिंपली यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है जिस पर आपको जो है अप्रूवल लेना है, उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है और ये गेट स्टार्टेड पर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। बस इसमें इतना सा काम आपको करना है, ना कोई कोड पेस्ट करना है गूगल एडसेंस की तरह, ना अकाउंट क्रिएट करना है। अब जो ये media.net की टीम है वो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगी और अगर उनको लगता है कि आपकी वेबसाइट media.net के अप्रूवल के लिए एलिजिबल है तो आपको मेल आ जाएगा और मेल आने के बाद आप उस पर अकाउंट क्रिएट करके डैशबोर्ड में जाके ऐड क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो मेन इंपॉर्टेंट टिप्स हैं media.net अप्रूवल की, सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, media.net का अप्रूवल सिर्फ इंग्लिश वेबसाइट्स पर मिलता है जिन पे कंटेंट जो है इंग्लिश में हो। अगर आपकी वेबसाइट पे हिंदी कंटेंट है तो आपको जो है media.net का अप्रूवल बिल्कुल से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि media.net अभी सिर्फ जो है इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अगर आपकी ब्लॉग हिंदी लैंग्वेज में है या किसी और लैंग्वेज में तो आपको अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। तो सबसे मेन फैक्टर, अगर आप media.net का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपका जो वेबसाइट है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा मेन फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट पर जो है ट्रैफिक कम से कम US, UK और कनाडा से होना ही चाहिए। तो ये एक दूसरा काफ़ी मेन फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होना चाहिए US, UK और कनाडा से। तो अगर आप गूगल एडसेंस के बारे में को पता होगा तो गूगल एडसेंस में आपका ऐसा कुछ नहीं कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होना चाहिए, पर यहाँ पर media.net के अप्रूवल के लिए आपकी वेबसाइट पर US, UK और कनाडा से ट्रैफिक होना चाहिए। जो मेजर शुरुआत में अप्रूवल के लिए जो मेन ट्रैफिक है वो आपका US, कनाडा और UK से होना चाहिए, एक उनका जो है मैंडेटरी है। अगर आपकी वेबसाइट पर US, कनाडा और UK से ट्रैफिक नहीं है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा इनका है। क्योंकि मैंने जब पहली बार अप्रूवल media.net के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था तो मुझे नहीं मिला था और मेरा रीज़न आया था कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है US, UK या कनाडा से ट्रैफिक नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे मेन दो चीज़ें, सबसे पहली आपकी वेबसाइट का कंटेंट इंग्लिश में होना चाहिए, दूसरी आपकी वेबसाइट पर US, UK और कनाडा से ट्रैफिक होना चाहिए। तीसरी चीज़, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो एडसेंस की तरह हैं कि आपकी वेबसाइट पर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए। अब ये एक जो चीज़ आप जब भी media.net के अप्रूवल के लिए डालें तो आपकी वेबसाइट पर किसी भी दूसरी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की ऐड नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एडसेंस की हो, चाहे पॉपअप एड्स की हो, या किसी भी, जब आप media.net के लिए अप्रूवल डालेंगे तो सबसे पहले आपको सारी एड्स हटा देनी है, उसके बाद आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करें और जैसे आपको अप्रूवल मिल जाए उसके बाद आप जो है कितने भी एजेंसीज को, कितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की ऐड यूज़ कर सकते हैं। तो यही केस एडसेंस में भी होता है। अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले सारी एड्स को हटा दीजिए, एफिलिएट एड्स
को या फिर जो होती हैं एडवर्टाइजिंग एजेंट्स की एड, उनको हटाने के बाद आप मीडिया डॉट नेट के लिए या एडसेंस के लिए अप्लाई करें, और जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाए उसके बाद आप उस पर कितनी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो कुछ ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको सिंपली इस वाली पोस्ट का, ये जो है मीडिया डॉट नेट की ऑफिशियल प्रोग्राम गाइडलाइंस है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट, ये देखिए यहाँ पर पूरा अच्छे से दिया हुआ है कि रिसीव मेजोरिटी ऑफ देयर ट्रैफिक फ्रॉम US, UK, कनाडा, यानी कि आपकी वेबसाइट पर US, UK, कनाडा का ट्रैफिक होना चाहिए। कंटेन कंटेंट दैट इज़ प्राइमरीली इन इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे को ही ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइजिंग किसी भी दूसरी है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की एड नहीं होनी चाहिए। बाकी ये वेबसाइट पॉलिसीज, अगर आप जो है कुछ नल थीम्स या क्रैक या हैकिंग से या सॉफ्टवेयर पायरेसी से रिलेटेड वेबसाइट है तो उस पर अप्रूवल नहीं मिलता। अगर होस्टिंग पेज होस्टेड फ्री होस्टेड पेजेस हैं तो उन पर नहीं मिलता। अगर हिडन लिंक और टेक्स्ट हैं तो वो चीज़ें, अगर आपकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, पार्क पेज है और पेजेस विदाउट कंटेंट है तो भी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी वेबसाइट पर अडल्ट कंटेंट है, टबाकू अल्कोहल इन सब से रिलेटेड है तो भी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो अब आपको, जैसा कि मैंने बताया, आपको अप्लाई कैसे करना है, सिंपली वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको URL देना है, फ़ोन नंबर देना है, ईमेल एड्रेस और सबमिट पर कर देना है, ठीक है। और जैसे ही अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो आपको मेल आ जाएगा और उसके बाद आप मीडिया डॉट नेट के डैशबोर्ड में जो है लॉग इन कर सकते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं, मेरी वेबसाइट पर मीडिया डॉट नेट का अप्रूवल है, तो अप्रूवल मिलने के बाद कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर टैब मिलता है डैशबोर्ड का, उसके बाद रिपोर्ट्स का, यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ऐड यूनिट से यहाँ से आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं, साइट मैनेजमेंट से यहाँ पर आप जो है मल्टीपल साइट्स को ऐड कर सकते हैं, और पेमेंट यहाँ पर आप पेपाल से ले सकते हैं या बैंक ट्रांसफ़र, काफ़ी ऑप्शन है। और जो थ्रेशहोल्ड है इसका वो मिनिमम $100 एडसेंस की तरह है। तो सबसे पहले अब अगर मैं आपको दिखाऊँ डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड में कुछ इस तरह का दिखता है। तो अभी तक मैं जो है अपनी वेबसाइट पर मीडिया डॉट नेट की एड मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगानी शुरू करी है, अप्रूवल काफ़ी पहले मिल गया था लेकिन एड यूज़ करनी अभी करी है। तो पिछले कुछ दिनों में मुझे आप देख पा रहे होंगे $1.77 यहाँ पर मिला है, और अगर अब आप देख पा रहे होंगे लाइव इंप्रेशन, यानी कि अभी करंटली 71 इंप्रेशन लाइव इंप्रेशन है, इतनी यहाँ पर अभी तक अर्निंग हो चुके हैं। दिस मंथ इतनी हुई है और लास्ट मंथ इतनी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है डिटेल रिपोर्ट आप मंथ के हिसाब से या जैसे भी, यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ का आपको दिखा देगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप इतने इंप्रेशन आए हैं, इतना RPM है और इतना रिवेन्यू, आपको जो है यहाँ से पूरा देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर एड यूनिट्स में। तो एड्स यूनिट्स में आपको कुछ डिफ़ॉल्ट एड यूनिट्स मिलती हैं, जैसे कि 720p और 300x250, कुछ डिफ़ॉल्ट 4 या 5 एड यूनिट आपको मिलती हैं। उसके बाद आप यहां से क्रिएट एड यूनिट पर जाकर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप जो है अपने हिसाब से कस्टम, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये एड्स के फॉर्मेट है, और अगर आप चाहें तो यहां से कस्टम भी ऐड यूज़ कर सकते हैं। सारा आपको जो है कैसी बनानी है चीज़ें और कोड लेके आप यहां से कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे एडसेंस में हम HTML कोड के थ्रू वेबसाइट पर लगाते थे वैसे इसको भी लगाना है। तो सिंपली यहाँ से आप कोड लेंगे, ये कोड लेके आप जो अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पर एड्स होने लग जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट पर, ये जो मेरी वेबसाइट है bloggingqna.com, इस पर मैंने मीडिया डॉट नेट का भी अप्रूवल है और एडसेंस का भी अप्रूवल है, और दोनों ही एड मैंने यहाँ पर लगा रखी है, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो पेज को यहाँ पर bloggingqna.com रिफ्रेश करता हूँ, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे टॉप में जो हेडर ऐड होती है ये वाली मैंने मीडिया डॉट नेट की एड लगा रखी है। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी जो है मीडिया डॉट नेट की एड लगा रखी है, और यहाँ पर अगर आप देखें ये वाली गूगल एडसेंस की एड है। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे ये वाली जो है मीडिया डॉट नेट की एड है, उसके बाद नीचे यहाँ पर एक और मीडिया डॉट नेट की एड यहाँ पर दिखेगी, और यहाँ पर आपको जो है गूगल एडसेंस की एड दिखेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको जो है एक चीज़ याद रखिएगा कि मीडिया डॉट नेट में जो है आपकी जो है अर्निंग जो है 24 आवर डिले चलती है, यानी कि आज की जो अर्निंग जो भी होगी वो आपको लाइव नहीं दिखाई जाएगी, आज की अर्निंग आपको कल जो है अपडेट हो जाएगी। और सबसे खास बात कि मीडिया डॉट नेट का जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो आपकी वेबसाइट को जो है एनालाइज करके और आपकी वेबसाइट के रेलिवेंट एड्स शो करती है। जैसा कि आपको पता है मेरी bloggingqna.com ये जो है ब्लॉगिंग के ऊपर SEO के ऊपर वेबसाइट है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो मीडिया डॉट नेट की है,
यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जितने भी ये एड्स आ रहे हैं, जैसे अफोर्डेबल एसईओ सर्विस, एडोब फ्लोस ट्यूटोरियल, लर्न एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ये सारी जो ऐड आ रही है ना यहाँ पर 12 की 12 ऐड, ये जो है मेरे ब्लॉग से रिलेटेड है बिल्कुल। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो है एड्स पे क्लिक्स ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपके ब्लॉग से रिलेटेड है और लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि अगर आप फर्स्ट टाइम में देखेंगे, कोई भी देख के ये नहीं बता सकता कि ये वाली जो है यहाँ पर ऐड है, लोगों को लगेगा ये मेरी ब्लॉग का ही हिस्सा है और यहाँ पर मैंने इन टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट लिखी हुई है और लोग यहाँ पर क्लिक्स भी कर देते हैं। तो media.net अगर आप की वेबसाइट पर अच्छे से 24 to 48 आवर्स में आपकी वेबसाइट को अच्छे से एनालाइज कर लेती है और उसके हिसाब से ही आपकी वेबसाइट पर ऐड शो होती हैं, और इससे आपका जो है रिवेन्यू अगर आप media.net पे करते हैं तो हो सकता है एडसेंस से भी बेटर आ जाए, क्योंकि एडसेंस पर आपकी कोई भी ऐड चल जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एडसेंस में यहाँ पर नेटफ्लिक्स की ऐड चल रही है, लेकिन मेरी वेबसाइट है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो अगर आप देखें इस पर इसका कुछ इतना रेलिवेंस ही नहीं है मेरे कंटेंट से, मगर अगर आप जो है media.net की ये ऐड देखेंगे तो सारा जो है मेरे ब्लॉग से रिलेटेड कंटेंट है। अगर मैं नीचे वाली ऐड दिखाऊं media.net की, तो ये भी देख पा रहे हैं आप, ब्लॉगिंग फॉर बिगनर गाइड टू गूगल एडसेंस, ये भी मेरे ब्लॉग से रिलेटेड है, और जो ऊपर हेडर में लगी हुई थी ये भी देख पा रहे हैं आप, मेरे ब्लॉग के कंटेंट से रिलेटेड यहाँ पर ऐड शो हो रही है। तो ये media.net का काफ़ी अच्छा फ़ायदा कि आपके ब्लॉग के कंटेंट से रिलेटेड ऐड शो होती हैं, एडसेंस की तरह नहीं, कोई भी ऐड आपके उसमें शो हो जाएगी और यहाँ से आपके क्लिक्स के चांसेस अच्छे रहते हैं, आपकी अर्निंग गूगल एडसेंस से भी ज़्यादा हो सकती है अगर आपकी वेबसाइट पे media.net का अप्रूवल लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गूगल एडसेंस की भी ऐड लगी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ आपको अगर media.net का अप्रूवल कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया, सिंपली यहाँ पर आना है, वेबसाइट का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाल के, और आपका जब अप्रूवल हो जाएगा तो आपको मेल आ जाएगा। उसके बाद आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, अपने डैशबोर्ड में जाके आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ऐड यूनिट ऐड कर सकते हैं, पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद और यहाँ पर आप जो है गूगल एडसेंस और media.net की दोनों एड्स को एक साथ लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया होम पेज पर। तो लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको अपनी वेबसाइट से सारी एड्स हटा देनी है, चाहे वो एडसेंस की हो, चाहे पॉपअप एड्स की हो, या किसी भी अदर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ऐड हो, वो एड्स आपको हटा देनी है। अप्रूवल मिलने के बाद आप कितनी भी किसी भी मल्टीपल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की ऐड लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे अप्रूवल लेना है। तो सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट इंग्लिश में होना चाहिए, उसके बाद आपकी वेबसाइट पर UK, US और कैनेडा से ट्रैफिक होना चाहिए, उसके बाद आपकी वेबसाइट पर जो है किसी थर्ड दूसरी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की ऐड नहीं होनी चाहिए, और मेक श्योर आप अपनी वेबसाइट को जो है गूगल सर्च इंजन में और बिंग सर्च इंजन में सबमिट करें, उसके बाद अप्रूवल के लिए लें, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और आप अगर आपकी वेबसाइट पर UK, US और कैनेडा से ट्रैफिक है तो आपकी वेबसाइट पर 100% जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर आप आज वेबसाइट बनाते हैं और आप जो है एक दिन बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है चाहे तो आप एक महीने बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे media.net के अप्रूवल से रिलेटेड, कैसे एड्स लगानी है, कैसे आपको डैशबोर्ड मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है media.net से अप्रूवल से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं जो है आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर करूँगा, मैं अपना बेस्ट कोशिश करूँगा आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।